कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक था। ठीक ठाक हैं आप? तो ठीक है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक था, बस अभी आते हुए वो मैं किसी ने कोई पी के फेंकी हुई थी सिगरेट, हाँ, और मैंने उसको बुझाई है तो मेरा पैर जल गया क्योंकि मेरे जूते नीचे से फटे हुए। इतने सादा आदमी है यार। बिल्कुल, देखे ना इस मुल्क में अक्सर पॉलिटिशियन भी ऐसे कुछ जो चाय में डबरोटी डुबो रहे होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। वाह, ये फैशन है। उससे पहले कढ़ाइयां फोड़ चुके होते हैं, उससे पहले उन्होंने कढ़ाइयां फोड़ ली, बाद में हेलीकॉप्टर में जाए वो सब सिक्योरिटी हो सब हो, लेकिन दिखाना जो है वो ये दिखाना है कि हम मतलब आजिज लोग हैं। तो ये जूते फैशन में फाड़े एक सियासतदान को कॉपी करते हैं। वाकई बहुत कम लोगों को पता होगा, वो इनको लग रहा होगा कि ये स्कार्फ है कुछ है, लेकिन ये इन्होंने गाय की जबान लगाई हुई है आजिजी इनकी सारी, जो चीज मिल जाए उठा के लगा लो। हाँ, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, क्योंकि आज मेरी एक पसंदीदा शख्सियत आ रही है। जबरदस्त। और मेरे ख्याल में हमसे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ने अभी तक हमारे शो में नहीं आई। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और मेरे ख्याल में और यकीनन ऑडियंस और आप भी एग्री करेंगे, उनसे बड़ा सेलिब्रिटी है भी नहीं इस वक्त कोई। उनके बगैर इस मुल्क में बड़े बड़े काम नहीं होते। अब आप वो काम गलत मत समझिएगा, कोई सियासी कामों की बात नहीं कर रहा। ओके, मैं किसी और पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। और फिल्म स्टार हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़ा नाम, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ खातून हजरात, आज आपको हम जिस शख्सियत से मिलवा रहे हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम, ड्रामे का बड़ा नाम, टीवी का बड़ा नाम, और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी जनाब जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। ज्यादा आपको पीछे इंतजार तो नहीं करना पड़ा सर? नहीं, हालांकि हमने पीछे एंटरटेनमेंट का पूरा माहौल रखा है, लेकिन आप शरीफ आदमी हैं, पूरी गली भरी। आप सर, हम बहुत एक्साइटेड थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक बहुत बड़ा नाम है और हम आपके बहुत बड़े फैन। मैंने बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आप माशाल्लाह खुद, मैं आप दोनों का फैन। सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप बोल चुके हैं और पहली एक और मुलाकात में भी जिक्र हुआ इस बात का। हम जब इंतजार कर रहे थे सर, तो हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आप कहीं बिजी थे, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से बोला कि सर किधर हैं, तो उन्होंने कहा एक सीन में। तो मैंने कहा किस किस्म के सीन में? मैं समझा किस सीन में। अच्छा, आपने समझे कि वो सीन है। उन्होंने कहा ड्रामे के सीन में। तो थोड़ी जब और वेट करना पड़ा तो मैंने कहा, उन्होंने कहा यार सीन लंबा हो गया। तो मैंने कहा शेख साहब के लिए कोई सीन लंबा हो ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता, इतने सालों से करा, आप तो यूं कर लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ डिफिकल्ट सीन्स होते हैं ना, आपको मिलते हैं सर आज भी? ऑफ कोर्स आज भी मिलते हैं, और आपको हर टाइप का सीन मिलता है, हर टाइप का सीन। लेकिन आपको वैसे अब तो आप ऐसे हो गए होंगे कि स्क्रिप्ट देखा अच्छा ये है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बड़ा कॉन्शियस होता हूँ, कॉन्शियस इन द सेंस के इजी नहीं लेता अपने काम को इजी नहीं लेता। मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, याद करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि भाई ये ऐसे है तो ये गुजर जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। No. और सर कभी ऐसा होता है कि आज भी प्रॉपर यानी कि यस 100%, जबकि ट्रेंड आजकल ये चल चुका है कि वो वहीं जाते हैं और देख लेते हैं हाँ ये दो लाइंस है तो नहीं, वो मैंने आज तक नहीं सर, इसी वजह से आज तक नहीं किया सर, 50 साल हो गए माशाल्लाह। एग्जैक्टली, और मैं जो कह रहा था पाकिस्तान की कोई बड़ी फिल्म बल्कि कोई भी फिल्म आपके बगैर नहीं बनी, इसकी क्या वजह है? करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी। वाह वाह वाह। लेकिन वो उस यानी कि आपको होना बड़ी एक फिल्म के लिए बहुत बड़ा वो होता है, जिसकी वजह से वो आपके पास जब आते हैं तो आप कहते नहीं कि नहीं यार मैंने ये करनी है ये नहीं करनी है, आप कहते हैं चलो फिल्म बड़ी हो जाएगी तो मैं आ जाऊँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं कभी ऐसा नहीं। अच्छा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और ना मैंने कभी अपने आप को कोई खिताब दिया है और कि मैं ऐसा हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे ये नखरे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। आई एम अ वेरी सिंपल एक्टर। सर इस पर कोई शक नहीं, हमने आपके साथ काम किया, बल्कि गैर मुल्क में भी हमने आपके साथ एक काम किया एक इश्तेहार के लिए, और हमें बिल्कुल लगा और नज़र आया कि आप एक बहुत सिंपल आदमी और बहुत बड़ी बात है आज बस। यस सर, कभी ऐसा होता है कि आज भी किसी सेट पर जाके आपको लगे कि यार ये शायद मुझसे ना हो पाए और आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, या आप मतलब आपको लग रहा हो कि यार ये सही हो जाए बस, या कोई भंड हो सकता है? नहीं, देखिए दो फिल्में थी ऐसी जिसमें मुझे लगा कि इट वॉज डिफिकल्ट। एक तो यासिर की फिल्म थी रॉन्ग नंबर, जी रॉन्ग नंबर वन। जब दानिश मेरे पास आया, यासिर मेरे पास आया, तो मुझे कहने लगा कि शेख साहब ये रोल आपसे करवाना है। मैंने कहा क्या रोल है? उसने मुझे नरेट की कहानी, तो वो एक कसाई का रोल था। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैं तुम्हें कसाई कहाँ से लगता हूँ? मेरा एक इमेज है, मैं अपना इस टाइप के कैरेक्टर करता हूँ, और वो मैं कसाई तो मैं कर नहीं सकता यार। I'm sorry, I will not. मैंने refuse किया।
यासिर ने कहा नहीं सर करेंगे आप ही। अब ये मेरे लिए चैलेंज था कि भाई कसाई का रोल, अच्छा भाई ठीक है ओके। अब मैंने कहा उसको चैलेंज समझ के मैंने वो रोल किया और उसके लिए मैं कसाईयों की दुकान पे गया कि वो गोश्त कैसे काटते हैं, कैसे बैठते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है। तो उसको गालियों के अलावा, क्योंकि वो जनरली आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। यस यस, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो किया और वो अल्लाह ताला ने उसमें करम, बहुत बेहतरीन किरदार, बेहतरीन। सर ऐसा हुआ क्योंकि आप जब इंडिया में काम कर रहे थे तो शाहरुख खान बात कर रहे हो तो आपको लगा हो यार आप साहिर लोधी की कॉपी करते हैं सर? नहीं बिल्कुल लगा। साहिर लोधी को मैंने कहा सर वैसे वाहिद आदमी है, शाहरुख खान के भी बाप है वैसे। ये कह सकते हैं कि वो तू क्या, मैं तेरा बाप हूं। बाप कह सकते। तो सर गोश्त मतलब आप तो छोटे का कीमा बना लेते होंगे, छोटे का कीमा तो आप बना लेते होंगे, इतना आपने कीमा बनाना सीख लिया होगा दुकान। हाँ मगर मैं बनाता नहीं। मैं मशीन इस्तेमाल करता हूँ। मशीन, मशीन के ऊपर। सर लेकिन ये हुआ कैसे सर, आप मतलब किस तरह ये रियलाइजेशन हुई, किस तरह पहली दफा किसी ने बोला कि यार आप हीरो हैं, ये सब कैसे हुआ, मतलब आज जो आप इस मकाम पे, पहला स्टेप क्या था? बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला, मैं मेरी जो पैदाइश है वो रावलपिंडी की है जी, ठीक है जी। मैंने उस जब होश संभाला तो उस वक्त इंडिया की फिल्में लगा करती थी पाकिस्तान में। अच्छा, ठीक है। तो वो मैं, मुझे शौक ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे ही पैदा हुआ मुझे इस फिल्म का शौक था। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। और आप रेगुलरली देखने आते हैं? यस हाँ, मैं स्कूल से भागकर फिल्में देखता था। वो उसी, और पढ़ाई में ज्यादा जोर नहीं देता था और गंदे लड़कों में घूमता फिरता था, ये था वो। प्रॉपर पिंडी बॉय थे आप। पिंडी बॉय, पिंडी बॉय, यस। और वो फिर क्योंकि मेरी जो हरकतें थी उसकी वजह से मुझे मेरे वालिद साहब कराची ले आए। अच्छा अच्छा, मैं आपको इसमें वो वाक्य आपको सुनाना चाहता हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्टिंग का शौक, और मैं, मेरी उम्र होगी 12-13 साल, ठीक है सर, ठीक। और मेरे साथ 3-4 लड़के उस इलाके के सदर के, जो उस वक्त का जमाना था वो बदमाशी का, टांगे का, घोड़ा गाड़ी, ये इस टाइप का वो जमाना था। शलवारे कमीजे, वो चुरिया चाकू रखे, ये मैं उस माहौल में था। उस वो 3-4 लड़का भी मेरे साथ ऐसे ही थे। अब हमने प्लान किया कि यार फिल्म में काम करना है। अब छोटे लड़के फिल्म में काम कर रहे हैं तो क्या किया जाए। सब ने ये डिसाइड किया कि फिल्म इंडस्ट्री तो लाहौर में है तो हम लाहौर चलते हैं। अब हमने कहा लाहौर कैसे जाएं, पैसे तो है नहीं। तो मैंने अब उन दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार मैंने अपने वालिद साहब के कपड़ों में 100-100 रुपए के नोट देखे। अच्छा उस वक्त 100 का नोट इतना बड़ा होता था, क्या वैल्यू, ठीक है सर। 100 का नोट वहां से चुराया और मैं दोस्तों के पास आ गया, मैंने कहा 100 रुपया ले आए। अरे ये भाई वो तो कमाल हो गया, अब तो हम लाहौर जा रहे हैं। अब उसका खुला लेना है तो अब उसका खुला नहीं मिल रहा हमें। इतना बड़ा नोट है भाई, उस 2-3 पैसे तो हमें मिलते थे खर्चे के। अब हम एक हलवाई की दुकान पे गए, 2 रुपए के 2 दर्जन लड्डू लिए। 2 दर्जन 98 रुपीज उसने वापिस किए, ठीक है सर। वो लड्डू के डब्बे और वो पैसे लेके हमने टांगा करवाया, हम सीधा स्टेशन पे आए, वहां से टिकट कटवाए 4 और जाके डब्बे में बैठ, और हमारा सफर शुरू हो गया लाहौर का। घर वाले को नहीं पता पीछे, नहीं नहीं सुने ना अभी। अब ये कटिंग है कि गाड़ी खड़ी हुई है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे, और वहां से मेरे वालिद साहब गुजरते हैं अपने इलाके से, और वो हलवाई जो है वो उनका जानने वाला है। वो कहता है कि शेख साहब आपका बेटा आया था, नॉर्मल आपका बेटा आया था, 100 रुपए का नोट था, 2 रुपए का लड्डू लेके गया। अब वो वालिद साहब के कान खड़े हो गए कि मैं 100 रुपया तो उसको दे ही नहीं सकता कभी। वो फौरन घर पे भागे और सबसे पहले जाके पैसे चेक किए, उसमें 100 कम था। अब उनकी छठी हिस्से काम किया, वापस आए और उन्होंने अपने 5-6 दोस्तों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि ये 100 रुपए का क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम और ऐसा करो कि तुम लोग बस स्टेशन पे चले जाओ, तुम और तुम जहां लड्डू देखो पकड़ लो। हाँ, यस। और खुद और उनके साथ 2 आदमी
ये रेलवे स्टेशन का है। ट्रेन चलने में 10 मिनट या 7 मिनट होगी। अब वो स्टेशन पे पहुंचे और उन्होंने पिछले डब्बे से शुरू किया देखना और बीच में कहीं आए हैं तो हम चार लड़के बैठे हुए थे ऐसे खूब एंजॉय लड्डू कर रहे हैं और एक्टर बनने जा रहे हैं। पीछे से मेरे वाले साहब का हाथ इतना बड़ा था, 6 फुट उनकी हाइट है और कद वद उनका ऐसा था, वो ऐसे पीछे मेरा ऐसे करके हाथ आया, ऐसे उठाया मुझे और उसके बाद मुझे होश नहीं है। मैं घर में उल्टा लटका हुआ था और मुझे दुर्रे पड़ रहे थे सख्त आदमी। हाँ, मेरी वालदा जो थी वो मुझे बचा रही थी कि यार ये वो नहीं नहीं इसने तो ये किया चोरी की, ऊपर से लाहौर भाग रहे थे, ये तो खराब हो जाता बर्बाद हो जाता ये का, बात तो ठीक थी। और मैं ये कहता हूँ एक्टर बनने के लिए ये रास्ता नहीं था। अगर मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूँ, अच्छा सर ठीक है, और उसका नाम मैंने ऐसे ही सोचा हुआ है, अ जर्नी ऑफ पैशन, वाह ठीक है, अगर वो ट्रेन चल जाती तो आज मैं जावेद शेख ना होता। बिल्कुल ऐसे, ये तो खुद एक स्टोरी है सर, एक फिल्म होनी चाहिए। यस, अच्छा ये नहीं कि आपकी कन्विक्शन थी कि अगर चल जाती तो आप आना। नहीं, ऑफ कोर्स आई नो दैट कि भाई ऐसे लड़के जो घरों से भागते हैं उनका क्या असर होता है, बल्कि इसमें सबक भी है। सबक भी है कि अगर घर से भागो तो लड्डू मत लो, लड्डू लड्डू ले भी लो तो खाओ मत। सर एक ब्रेक लेना है मुझे, आपकी इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, दिल नहीं चाहता कि आपको इंटरप्ट किया। ये ब्रेक से जरूरी है, ब्रेक जरूरी है, ऊपर से आपका फोन भी बार बार बज रहा है। अब पता नहीं किन साहिबा मुंह से निकला, किन किन का फोन होगा मुझे नहीं पता, बहुत बार बार आप यार इनको क्या प्रॉब्लम क्या है। या सर ये जेलस है, ये जेलस है। हेलो कौन? अच्छा रियाज, रियाज है, रियाज सर। अच्छा मैं समझा आप कोई हो। जी क्विक ब्रेक यार, खावतीन हजरत वापस आते हैं, जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप देख रहे हैं एमएनएम शो, मैं मुर्तजा, क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक, खावतीन हजरत जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले वो रियाज का फोन आ गया था, लेकिन ये वाहिद रियाज है सर जिसने तस्वीर किसी और की लगाई है। नहीं मैं लगाता ही नहीं। नहीं रियाज ने, रियाज ने लगाई, मेरी लगाई। अच्छा हाँ, अच्छा आपकी लगाई हुई। हाँ रियाज ने आपकी लगाई, रियाज ने मेरी तस्वीर लगाई। मंगवा के दिखा दूँ? नहीं नहीं मुझे यकीन है। रियाज फोन दिखाओ। नहीं यार मुझे यकीन है, रियाज फोन दिखाओ, रियाज फोन दिखा दो भाई। अच्छा ये शहादत के तौर पे रियाज, रियाज का फोन सही है, रियाज फोन दिखाईगा, फोन दिखाओ। 50 मिस कॉले किसी। अच्छा सर आप गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं आपको आते है? गुड मॉर्निंग के मैसेज आप भेजते हैं आपको आते? मुझे आते। आपको आते, आप जवाब देते हैं उनका? नहीं, तो हजारों मैसेज आते होंगे जैसे मैंने आपको बताया, भरे में अभी बताया मैंने, ब्रेक ना बताया ना आपको। मैं नहीं देता जवाब, जवाब नहीं देता, लेकिन आपके प्यार करने वाले आपको आते, ये बात सही है। संभल के चलना पड़ता है, संभल संभल के देखिए ना क्या सर दौर होगा कि मोहल्ले की दुकान, लोग एक दूसरे को जानना, उसको भी पता था, आपके वाले साहब को भी बता देना, मतलब एक सारी चीजें आज तो वो अमेजिंग मोहल्ले। मैं तो कह रहा हूँ ना, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, वाह। फिर ना मतलब प्रोज के क्या अगर चले आते हैं तो अब इनको कन्विक्शन है कि ना बनते आज ये। यस, तो सर यहाँ कैसे फिर बैठे आप, फिर आज कैसे आप बने जा? देखिये जब ये हुआ वाकया, उसके बाद मेरे वालिद साहब मुझे कराची ले आए। अच्छा ठीक है सर। उन्होंने बात की, यहाँ पर उस वक्त ट्रैम्स चलती थी जी कराची में जी, श्योर। तो ट्रैम्स के जो मालिक थे अनवर साहब और जाया साहब, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, उनका ताल्लुक बोरी फैमिली से था, पिंडी से। अच्छा। वो सारे जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि यार इस तरह मेरा बेटा खराब हो गया, ये है वो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कराची ले आऊँ, ये पिंडी का माहौल खराब है जिस इलाके में हम रहते हैं। उसने कहा ले आओ यार, मेरी एनेक्सी है घर की, बंगले की, तुम लोग आके रहो फलाना। उन्होंने मुझे वो कराची ले आए और मैं गार्डन पे, मुझे आज भी याद है कि गार्डन में जहाँ ट्रामवे डिपो था उनके पीछे उनका घर था, बंगला था, उनकी एनेक्सी में मैं रहा। ठीक है सर। जहाँ मैं पिंडी में स्कूल में जाता नहीं था और फेल होता था, मैंने ओढ़ना बिछोना बात करना चलना सीखा उस फैमिली से। माहौल का असर होता है ना, बहुत बड़ा। अब वो एक एलीट क्लास की फैमिली थी और मैं वहां रह रहा था, और
मेरे स्कूल का रिजल्ट भी ऐसा था कि जहां मेरे सिफर मार्क थे वहां मैं अपनी क्लास में फर्स्ट भी आया। अच्छा, यानी कि आप फिर उस माहौल ये चेंज हो। मगर खुला नहीं जा रही है, बिल्ली आ गई, बिल्ली चले आ रहे सर, पाली है सर, ओके काली है, पाली भी, अच्छा अच्छा पाली, मैं सुने काली, काली भी और पाली भी, अच्छा वाह वाह, अच्छा सर। तो वो शौक जो था काम करने का वो था। उस रेडियो पाकिस्तान में उस वक्त टेलीविजन अभी नया नया शुरू हुआ, 64 की बात कर रहा हूँ, नया नया शुरू हुआ था। तो मैं रेडियो पे बज़्म तलबा प्रोग्राम में जाकर ऑडिशन दिया करता था और 6 दफा फेल हुआ। नहीं रिजेक्टेड चूंकि बीइंग अ पंजाबी मेरा तलफ्फुज ठीक नहीं उर्दू का सही, तो लिहाजा रिजेक्ट हुआ। मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 दफा रिजेक्ट हुआ और मुझे उन्होंने नहीं लिया। तो वहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, तुम ऐसा करो कि तुम जाओ घर में, अखबार तुम्हारे घर में आती है, उस अखबार को ऊंची आवाज में पढ़ो ताकि उसके जुमले तुम्हारे कानों में सुनाई दे, तो तुम्हें पता लगे कि ये लफ्ज तुमने क्या बोला। मैंने ऐसा ही किया, 6 महीने के तक वो अखबार पढ़ी और जाके फिर ऑडिशन दिया। तो उस वक्त भी मैं सिफारशी, यार बेचारा कितने चक्कर लगा चुका है, इसको एक रोल दे, 6 दफा आ गया। तो एक स्टूडियो नंबर 9 उस वक्त चलता था, तो वो उसमें मुझे एक छोटा सा रोल उन्होंने दे दिया। ठीक है, बड़े खुश होंगे आप। मैं बड़ा खुश हुआ। अब उसी में वो उस प्रोड्यूसर से मैंने कहा कि यार आपके टीवी के ताल्लुकात हैं तो मुझे जरा काम दिलवा दें। तो उन्होंने अमीर इमाम साहब को फोन किया, अमीर इमाम साहब एक बहुत बड़े सीनियर हमारे प्रोड्यूसर हैं। तो वो एक सीरीज बना रहे थे जिसका नाम था इंसान और आदमी, उसमें तलत हुसैन साहब हीरो थे। मुझे उन्होंने भेज दिया, मैं टीवी स्टेशन पे गया, तैयार हो बस, बाल भी बड़े होते थे, हसीना। तो वो ऑब्वियसली 3-4-5 साल का फर्क आ गया, थोड़ा सा वो चीजें बेहतर हो। हाँ, तो वो मैं आ गया, तो वो ऐसे स्टूडियो में आया हूँ, तो उन्होंने लड़के ने बोला सर ये वो आफ्ताब अफगानी उनका नाम था रेडियो पे जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अमीर इमाम साहब ये लड़का भेजा आप देख ले। और उन्होंने मुझे देखा, तलत हुसैन साहब बैठे हुए, हाँ ठीक है बस इसको वो कुर्ता पजामा और पटका दे दो। अब वो मैं पटका लेके आ गया, उन्होंने कहा कि भाई सुनो, तलत साहब इधर बैठे हैं, उनके दोस्त इधर बैठे हैं, ये तुमको आवाज़ देंगे रमजू, तो तुम भागे भागे आओगे। जी सरकार, तो एक चाय लेकर आओ। जी नहीं, 2 चाय लेकर आओ। जी अभी लाया, और अच्छी होनी चाहिए। जी अभी लाया। वो कह के चला। And this was my first appearance on television. Wow! Kya khoobsurat tha. Aur phir wohi TV tha, wohi TV station tha, aur ek serial wahan par shuru ho raha tha, uska naam tha Shama. Fatima Suraiya Bhajia ka likha hua, Qasim Jalali sahab uske director. Kya baat hai. Theek hai? Aur Ghazala Kaifi, गजाला रफीक थी उस वक्त, कैफी वो हीरोइन थी, और उसमें उनको एक हीरो की तलाश थी, और उस हीरो के लिए उन्होंने ऑडिशन शुरू किया हुआ। तो उस ऑडिशन में मैं लाइन में मैं भी था, और जब 50 लड़कों ने ऑडिशन दिया उसमें मैं भी था। और हेलो आ जाओ, इसका बुलाया था हमने, आ जाओ बेबी। सर बिल्ली को भी इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो वो मैं ऑडिशन दिया और इत्तेफाक से मैं सेलेक्ट हो गया, 50 लड़कों में मैं सेलेक्ट हो गया एज अ हीरो। अब मैं पहली दफा जहाँ एक छोटा कैरेक्टर किया है एक रोल, वहीं मैं हीरो बन के गाड़ी में एंटर हुआ, और फिर वो चल सो चल था, आगे ही किया, फिर वो धुंध किया, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर चल सो चल था। प्रोसेस कितना खूबसूरत है, हमको लगता है कि आज मतलब ऐसा होता होगा सर, क्योंकि हम मुझे लगता है कि हमारे नए लोग बहुत अच्छे हैं, सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, बट हमें शक्ल भी अच्छी है, सब कुछ है, पर्सनैलिटी की जो एक वो ना, जैसे आपकी वाइब है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक वो ऑरा है, वो जो हीरो का होता है और आज तक है, वो मिसिंग है। उसकी वजह बैक स्टोरी है या नहीं? मैं समझता हूँ, देखो उसमें उसमें मेरा ये जो मैंने सारी कहानी बताई है, मैं इसमें मेरा पैशन शामिल है, बहुत ज़्यादा पैशन, ठीक है,
और अल्लाह ताला ने मुझे सब्र भी बहुत दिया। बड़ी बात। ये मैं आपको बता ही नहीं सकता कि मैंने अपने इस दौर में मैंने बड़े अप्स एंड डाउन्स भी देखे। बिल्कुल देखे। और मैंने कभी बखुदा मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ख़त्म हो गया। जो मुझे लेने वाले थे वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जावेद शेख ख़त्म हो गया, फ्लॉप हो गया, एंड वी डोंट नीड हिम, टेल हिम टू गो बैक टू कराची। एंड आई वॉज द वन जो मैं अपने लाहौर के घर से स्टूडियो में जाता था, तो ये सन 2000 की बात है, 22 साल पहले। तो ये मेरे यानी कि यहाँ टॉप से मैं बिल्कुल यहाँ आ गया था। सो दिस वॉज अ टाइम जब मैं लिफ्ट लेके लोगों से गाड़ी में बिक गई। हीरो के बाद का टाइम। हाँ, हीरो के बाद सर। ओहो सर, ये मैं बता रहा हूँ, वो जो बाद लोग छोड़ जाते हैं ना, वो एंग्जाइटी और फिर गोलियां इस लेवल और के फिर बाद तो इंजेक्शन, तो ये तो फेस करना। सो आई यूज टू गो टू द स्टूडियो और वो मुझे कहते थे कि यार ये क्यों आता है इधर, इसको बोलो कि चला जाए वापस कराची, ये फ्लॉप हो गया। तो मैं अपने कमरे में ऐसे करके बैठा होता था, एक टका जेब में नहीं है, मगर कॉन्फिडेंस था कि फेल उस दिन होगा जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा। तुम्हारे कहने से जो मेरा रब जो सबको रिस्क देता है वो तुमको भी देता है और मुझे भी देता है, तो तुम्हारे कहने से तो मैं नहीं जाऊंगा बेटा, जिस दिन वो चाहेगा तो मैं चला जाऊंगा। आप यकीन करें, वो मैंने थिएटर किया अमानुल्लाह के साथ, और एक थिएटर भी किया। थिएटर मैंने किया क्योंकि पैसे नहीं थे, तो भाई थिएटर तो करना था। ठीक है, अमानुल्लाह के साथ थिएटर किया। इन्होंने कहा लो जी भी, इसने अपना कॉफिन में आखिरी कील ठोक दिया, थिएटर पे अब तो फिल्म स्टार, लो फिल्म स्टार जावेद शेख, ये देखो ये कर। तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। एक बंदा एंटर होता है महफिल थिएटर में, वो कहता है कि यार मैंने जावेद शेख से मिलना है। वो बंदा मेरे पास लेके आता है कि यार सर ये इसका नाम आजम है, ये कह रहा है मैं बेल्जियम से आया हूँ, मैंने जावेद शेख से मिलना। मैंने कहा ले आओ भाई। आया सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं चार सद्दा में रहता था, मैं चला गया हूँ और मैं अब मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, आप उसको बना के दें। कितने की बनती है? मैंने कहा 1 करोड़ की। कह रहा बस 1 करोड़ की? मैंने कहा हाँ। अब उस वक्त बनती थी फिल्म 70-80 लाख, 90 लाख। मेरी आखिरी फिल्म जो थी वो थी यस बॉस, जो मैंने टर्की में बनाई थी और वो फ्लॉप हो गई थी, तो मेरे सारे पैसे डूब गए थे, एज एन एक्टर भी फ्लॉप और ये भी फ्लॉप, ये सारा कुछ ये था। तो जब उसको 1 करोड़ पे कहा तो कह रहा नो प्रॉब्लम। फिर कहने का नहीं यार कोई ऐसी फिल्म बनाओ जो इंडिया की तरह की हो। मैंने कहा सर वो तो 5 करोड़ की बनती है। तो कैसे 5 करोड़ बस? मैंने कहा ये बंदा कौन है भाई? आई स्वेयर। और ये उस वक्त की बात है कि जब डॉलर 60 रुपए का था, मुशर्रफ साहब का दौर था। सही। जब ये बंदा कह रहे 5 करोड़ की तो इट मींस ऑलमोस्ट $1 million। अच्छा, मैंने कहा यार ये मजाक कर रहा है कि किसके पास हिम्मत है, और कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है कि 5 करोड़ की अगर फिल्म बनाएंगे तो वो कमाएगी कहाँ से। एक मल्टीप्लेक्स नहीं था, सारे सिंगल थिएटर थे, 50 रुपए का टिकट। तो सर आपने ये नहीं सोचा कि ये 5 करोड़ में भी ये कह रहा है इसको 10 में को देते हैं? यही तो कमाल था सर। मैंने कहा यही कमाल था। ये आपने वैसे बड़ी अच्छी बात है। उसने मुझे कहा कि मैंने कहा कि मैं एज एन एक्टर इतने पैसे लूंगा, एज ए डायरेक्टर इतने पैसे लूंगा, और 50% का प्रॉफिट में पार्टनर होगा। उसने सारी बातें मानी और उसने 5 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। वाह, और नए बाज भी ढूंढ रही है आप। सुनेगा जोर। वाह, और फिल्म कौन सी थी? ये दिल आपका। ओ जबरदस्त, क्या यार, ठीक है सर। वो फिल्म बनी है जबरदस्त। और उसके बाद तो ट्रेंड ही चेंज हुआ। तो बस क्या खूबसूरत फिल्म, अल्लाह। वाह वाह, बड़ा जर्नी सर, बहुत जबरदस्त। आपको तो इंटरप्ट करने का दिल नहीं चाह रहा, वैसे भी आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपको हम वैसे भी नहीं बुजुर्ग यार, काम नहीं वैसे। काम का यार, बुजुर्ग यार। नहीं नहीं, क्या जबरदस्त ये सर, ये बातचीत जो है ना, ये कहानी, मतलब ये सुनने की बात, ये सीखने का अमल, मतलब खूबसूरत। आपने आपकी बातें बड़ी प्यारी। ब्रेक ले लेता हूँ सर, ताकि आप नीचे। और आपका जो ये आदत है सर यस यस वाली, इसमें तो कई खवातीन को आपने यस बोल ही दिया होगा।
यस ठीक है कबूल है नहीं ये कमाल है किसी किसी को यस बोला वो लकी लोग होते हैं यस बोलते ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं है हां यस जी कहती हूं साल लेट्स अ क्विक ब्रेक हियर और वापस आएंगे हमारे हर दिल अजीज और मुल्क के सुपरस्टार और हमारे मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूं और यकीनन हम सब और आप भी होंगे और मैं उनको उस वक्त से जब मैंने पीटीवी पे ड्रामा देखा है इसमें एक हसीन आदमी थे और बड़ा गुड लुकिंग आज भी सर आप बहुत गुड लुकिंग माशाल्लाह अल्लाह आपको और मजीद जिंदगी दे क्विक ब्रेक हियर वापस आते हैं जावेद शेख साहब आते हैं अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा नॉर्मल बात करें बड़ी इंटेंस गुफ्तगू हो गई क्विक ब्रेक जी वेलकम बैक जावेद शेख साहब जिन्हें हम शेख साहब कहते हैं प्यार से लोग इस इंडस्ट्री में हमारे साथ मौजूद है उनकी बड़ी मोहब्बत है कि इन्होंने वक्त निकाला सर आप आज भी आपकी जिंदगी का जो पूरा दिन होता है सुना बड़ा मसरूफ गुजरता है आज आप आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा यानी कि मैं अपनी जवानी से ज्यादा अब कर रहा हूँ और कैसे मैनेज करते हैं सर बस वो करवा देते हैं अच्छा बात ये है ना पैशन है पैशन करना है और आज भी पैशन कहाँ ऐसा ही है किसी की ना शूटिंग कैंसिल करवाता हूँ ना मैं ये तो आज मैं माफी चाहता हूँ आज तो सीन ऐसे चल रहे थे ना आप थोड़े लेट बस मैं आपको बता नहीं सकता मगर मैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है मैं किसी के सेट पे अगर लेट पहुंचो तो आपने देखा होगा जब मैं आया हूँ तो मैंने एक एक बंदे से सॉरी किया बिल्कुल आप माजरत कर रहे हो हमें बुरा लग रहा था हाँ नहीं तो वो देखो वो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे इंतजार में अगर कोई एक 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 इलेक्ट्रिशियन भी बैठा हुआ है कैमरामैन बैठा हुआ है कोई भी बैठा है कोई भी टेक्नीशियन बैठा है आप लोग बैठे हो तो मुझे बड़ा सर लेकिन आज का हीरो तो ये कहता है कि इंतजार करने से गेम बड़ी होगी नहीं सर नहीं आप नहीं समझते नहीं वाह नहीं ये थी है प्रोफेशनल वाह वाह yes. लेकिन उधर ऐसा क्या सीन चल रहा था सर कोई खास सीन था जो आप बता नहीं कर रहे हैं क्योंकि हैंडसम आप आज भी हैं तो मुझे लगता है कि बहुत लोग फिदा होते होंगे आप बहुत पार्क yes. में जॉगिंग कर रहे हैं तो कहीं से नंबर आ गया कुछ ऐसा बिल्कुल अपनी फिटनेस का ख्याल रखते आज आप फिटनेस के ख्याल की वजह से वो लड्डू भी नहीं खाते होंगे आप सर यहाँ से आप शुरू हुए थे करियर आपका स्टार बनने के लिए यस 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 सर क्या करते हैं आप अवॉइड करते हैं जॉग वॉक करता हूं अच्छा आई वॉक अ लॉट अच्छा माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स अच्छा यस और आप अपने आप को ब्रेक देते हैं छुट्टियां लेते हैं सर छुट्टियों पे जाते हैं जी हां अच्छा रेगुलरली ओ यस यस छुट्टियां बहुत जरूरी है वक्फा जरूरी नहीं सकूं हां वक्फा जरूरी वो वाला ऐड करना है ऐड वाला सर इंडिया जाने का कैसे हुआ फिर वो दोबारा जर्मनी वाला तो नहीं आया देखो उसमें देखो इंडिया की भी मेरी मेरी लाइफ की मैं आपको बताऊं इतनी कहानियां हैं कि ये एक घंटे का इंटरव्यू कम है अब आपने एक कहानी नहीं छेड़ ली इंडिया में कैसे गए अब ये एक वाकई दास्तान है और बहुत कम लोगों को पता होगा 1986-87 में मेरी शादी हुई सलमा आगा से जी ठीक है वो उस वक्त हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस सूरत तरीन खान ठीक है क्योंकि मेरे उनके साथ एक फिल्म काम की और वहां से हमारा उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था सर इंटरनेट कैसे व्हाट्सएप हमने अपना इंटरनेट बनाया उस यस तो वो बस वो हुआ मैं उनके साथ जाता था वहां पर क्योंकि उनका काम वहां पर होता था तो मैंने तो कोई ऐसा सोचा नहीं था कि मैं हिंदुस्तान में काम करूंगा वो तो उनके साथ जब मैं फिल्मी महफिल्स में जाता था तो वहां पर मुझे राकेश रोशन ने देख लिया यार ये लड़का बहुत अच्छा और उससे वो फिल्म मेकर थे यस फिल्म मेकर तो उन्होंने कहा कि भाई ये फिल्म में मैं आपको हीरो लेना चाहता हूँ मैंने कहा भाई ये तो कमाल हो गया भाई मैंने कहा हामी भर ली अभी वो तैयार हो गए भाई ठीक है ओके अब वो घर पे आए तो मैंने कहा कि भाई सलमा आगा कह रही है कि भाई वो तो फिल्म मिल गई सलमा आगा ने वो गुस्सा किया कि भाई आप तो फिल्म में या हिंदुस्तान में तो काम ही नहीं कर सकते मैंने कहा क्यों कहने का नहीं वो आप नहीं कर सकते आप मैं फिल्म वो बना रहे थे खून भरी मांग अच्छा, खून भरी मांग में रेखा हीरोइन थी और आई वॉज द हीरो वो जब घर में फड्डा हुआ एंड शी टोल्ड मी कि अगर तुम फिल्म करोगे तो इस घर में नहीं रहोगे तो मैंने अपना बैग उठाया और मैं लीला पेंटा होटल बॉम्बे में शिफ्ट हो गया पूरी रात सोचता रहा कि हिंदुस्तान में मेरा इतना बड़ा स्वागत हो रहा है और मेरी फिल्म राकेश रोशन है रेखा हीरोइन है मैं हीरो तो मैं तो करूंगा भाई
और पाकिस्तान में मेरे पास सारी फिल्में थी, ऐसा नहीं था, टॉप पे था उस वक्त में। तो अब जब मैं वो एक रात होटल में था तो वहां पे मुझे सोच आई कि यार कि मैं कोई गलत चीज ना कर बैठूं। वो ये था कि सलमा आगा बहुत बड़ी अदाकारा है, मुझसे बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छे, मगर हिंदुस्तान में बैठ के उसके खिलाफ मैं कोई बयान नहीं दे सकता। ठीक है, मैंने कहा कल को ये अखबार में छपेगा कि जावेद शेख ने सलमा आगा को देख के आप उसको देख के ये इसमें, तो वो आपके लिए फैसला मुश्किल है। ये मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि उन्होंने कहा भाई अब ये काम नहीं करना। तो मैं घर पे वापस आ गया कि भाई ठीक है अब कोई ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, छोड़ दिया। और ये देखो ये कितनी बड़ी बात है कि यार इतनी बड़ी फिल्म मैंने छोड़ दी। वो मैं घर पे आ गया, मैंने छोड़ दी भाई। उसके बाद आप मतलब उनको भी छोड़ दिया? किसको? जिनकी वजह से फिल्म छोड़ी थी आप? वो खुद छोड़ के चली। अच्छा, सही सही। यस, बात तो ये है, देखो ना फिल्म रही ना वो रही। और मैंने, लेकिन आपका डिसीजन ठीक था सर। सर वो ये मैं बता रहा हूँ, मैंने ये कहा ना कि मैंने वो शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं हिंदुस्तान में काम करूँ। वेरी गुड। अब मैंने वो फिल्म छोड़ दी, 88 में हमारी डिवोर्स हो गई, भूल गया कि हिंदुस्तान कोई जगह भी है, मैंने काम भी कर रहा है, मेरे पाकिस्तान में सारी फिल्में मैं एज ए हीरो कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। वो तो मैं 2005 में अपनी फिल्म का म्यूजिक करने मैं गया हुआ इंडिया। ठीक है सर, म्यूजिक करने गया हुआ इंडिया, तो NDTV ने मेरा इंटरव्यू लिया कि जावेद शेख पाकिस्तान के अदाकार आए हुए हैं और महेश भट्ट साहब और मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को डिस्कस करने के लिए बैठे। वो इंटरव्यू चला, ठीक है, वो इंटरव्यू चला रात को रिपीट टेलीकास्ट में। वो एक डायरेक्टर थे जॉन मैथ्यू साहब, वो फिल्म बना रहे थे सरफरोश के नाम से, ठीक है, जिसमें शाहिद कपूर था, अजय देवगन था, बिपाशा बासु थी, अमृता राव थी, उनको शाहिद कपूर का फादर चाहिए था और फिल्म 3 महीने से रुकी हुई थी और डायरेक्टर को पूरे हिंदुस्तान में शाहिद कपूर का फादर नहीं मिल रहा। ये देखो कितनी बड़ी बात है, जब अल्लाह ताला रास्ता निकालता है ना वो ऐसा निकालता है। तो वो जो रात को रिपीट 12 बजे इंटरव्यू चला है उस पे उन्होंने, उनके एक शायर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये जो जॉन मैथ्यू जो क्या है वो लड़का तो यही है। उन्होंने रात को ही फोन किया कि सर वो लड़का मिल गया मगर एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तानी एक्टर है। उसने कहा नो प्रॉब्लम यार, पाकिस्तानी है तो क्या हुआ, जो मैं चाहता हूँ वैसा ही है। बोला हाँ। उन्होंने मुझे सुबह 9 बजे फोन किया, सुधाकर शर्मा उनका नाम था, उन्होंने कहा सर मैं सुधाकर शर्मा हूँ, एक फिल्म की बात करनी है। तो मैंने भी बोला यार ना सुभाष गई है ना यश चोपड़ा है, ये सुधाकर शर्मा कौन है? मैंने किसी पार्टी से मैं आया था वापस, मैंने कहा भाई ये अभी कोई टाइम नहीं है बात करने का। और आप बोल भी आहिस्ता रहे होंगे कि कोई उठ ना जाए, पार्टी से आए थे आप? अकेला था। अच्छा, ठीक है, उठ ना जाए। अच्छा अच्छा, बट वेरी गुड, लाइक दैट। अच्छा, तो वो खैर वो 12 बजे आ गए, 12 बजे मुझे फोन किया सर हम नीचे आ गए। मैंने कहा भाई मैं अभी उठाऊ, आधा पौना घंटा लगे। अब उस तरफ की कहानी ये है कि जॉन मैथ्यू ने कहा कि भाई तुमने कहा है कि वो मैं तो नहीं उसको देखा हुआ, तुम कह रहे हो, अब हम वो जहाँ या इस कोने में लिफ्ट लगी हुई है, इधर बीबीसी कॉफी शॉप है, चंबा वो JW मैरियट का, ऐसे करके तो वो हम वो जैसे लड़का चल के आएगा, अगर मुझे चाहिए होगा तो हम रुक जाएंगे वरना हम पीछे से निकल जाएंगे। अच्छा, बताएंगे। अब मैं नीचे उतरा हूँ आधे घंटे के बाद, अब मैं ढूंढता हूँ सुधाकर शर्मा, शकल से तो जानता नहीं था। अब मैं ऐसे ऐसे ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं और मैं ऐसे वॉक करते 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 जब करीब आया हूँ तो 2 आदमी खड़े हो, बोला सर जावेद जी मेरा नाम सुधाकर शर्मा है और ये डायरेक्टर है जॉन मैथ्यू। मैंने कहा जॉन मैथ्यू सरफरोश वाले, आमिर खान की सरफरोश, क्या ये है। उसने मेरा हाथ पकड़ा जॉन मैथ्यू ने, उन्होंने कहा सर
मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया। यू आर शाहिद कपूर्स फादर इन माई फिल्म। जो पैसे बोलेंगे जैसा है करेंगे। आई सेट डाउन और वो उन्होंने कहानी सुनाई और फिल्म मैंने वो। तो अब आप बताएं कि वो 86 और 2005 और मेरा यानी के बॉलीवुड का सफर शुरू हो। क्या क्या है? क्या क्या बात है सर, क्या मजेदार, वाह वाह जबरदस्त, वाह मतलब क्या, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। मगर मैं ऑब्वियसली वक्त भी कम है सर, इसमें हम एक खेल भी खेलते हैं अपने खेले? जब बुलाते हैं किसी को, उसमें मैं एक पर्सनैलिटी सोचता हूँ जिसका ताल्लुक इंडस्ट्री से होता है, जो भी कोई एक्सपेक्टेड हमारे गेस्ट होता है, और फिर वो उसको गेस करता है। ये कसौटी खेल बस तकरीबन हमारे दौर की कसौटी, एक आपके दौर की कसौटी, हमारा आपका दौर एक ही है। मतलब मेरे तो बाल सफेद है सर, मेरे भी सफेद लेकिन सर मैंने धूप में नहीं किया है? मुझे नबीला ने किया मेरे। हाँ, मैंने भी वही से मैंने पर्सनैलिटी सोच ली सर, आप दोनों ने गेस कर। आपने पर्सनैलिटी सोच ली, कितने सवाल है? जितने मर्जी सर, सवालों के अनबार। अच्छा अंबार है। ये मेरे साथ है आपके साथ? मैं आपके साथ, आपके साथ मैं मेरे साथ है। वेरी गुड सर। हाँ जी, मर्द या औरत? औरत सर, मतलब आपके सामने औरत। अच्छा, एज ग्रुप 22 साल से 35-40 साल के बराबर? अभी आज नहीं, ज्यादा हो, ज्यादा हो, आज ज्यादा हो। अच्छा ठीक है, ओके। शोबिज से ताल्लुक? बिल्कुल शोबिज से ताल्लुक, बिल्कुल भाईजान। देख ले सवाल, देख ले है। पाकिस्तान या पाकिस्तान? पाकिस्तान, पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान है। और उम्र इस वक्त ज्यादा हो गई है? मतलब इतनी, मतलब शायद हमसे थोड़ी सी बड़ी हो और आपके बराबर हो या छोटी हो थोड़ी। अच्छा ठीक है, ठीक है। और अभी वो एक्टिव है या नहीं? वो सर रिटायर्ड? रिटायर्ड, बहुत छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ, बहुत। वेरी गुड। जिंदा है? जिंदा है, जिंदा है। चलो शुक्र है भाई, जिंदा है, शुक्र है, क्योंकि हमारे दौर के लोग रात से लगे लाख लाख शुक्र है, जिंदा। ओके ओके, नंबर मिल जाएगा उनका? नंबर मिल जाएगा, वो पूछना पड़ेगा सर। अच्छा जी, वैसे तो बहुत सारी आ रही होंगी आपके ज़हन में, लेकिन नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। इतना हैंडसम आदमी? हां यस, मेरे साथ काम किया? बिल्कुल किया। देखा, इसी वजह से आधा तो पकड़ लिया मैंने। पकड़ लिया? हां सर। यार वाह वाह, हां सर, बहुत है यार सर। ऐसे आप नहीं, आप ऐसे हमारे गुरु नहीं है। हां दूसरे काम, मैं गुरु की बात करूं सर, उनके नाम में कहीं आई आता है? आई पकड़ाई होगी नीली, नीली। क्या बात है? वैसे सर मैं ऐसी, आप ये तो एक सर वैसे कहाँ गई वो चीज इन लाहौर? अच्छा, छोड़ दिया उसे, बट क्या बात थी यार, कितनी खूबसूरत, क्या बात थी, क्या, शी वॉज अ वंडरफुल लेडी, अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और अल्लाह मियां उसको हमेशा खुश रखे। अमेजिंग, दुआ दे सकते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। आपकी सर फेवरेट एक्ट्रेस अपने दौर की और आज की? फेवरेट एक्ट्रेस दोनों बताओ। देखिए मेरे वैसे तो फेवरेट बहुत है आपकी, लेकिन एक्ट्रेस की बात नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा, बहुत आप बहुत सिलेक्टिव। आप एक्ट्रेस से पूछे कि उनका फेवरेट कौन ये है? बात ऐसा थोड़ी है सर। नहीं वैसे है कि मतलब मुझे ये पता है कि आप के साथ कभी कोई, जब आप हीरो तो उस वक्त भी स्कैंडल जिसका बना वो बड़ी खूबसूरत खातून का बना है, और सर ऐसे हर एक नीले पीले का नहीं बना। मैंने नहीं बनाया। अच्छा, हाँ सर, अरे हमेशा मतलब आपने वो रखा? नहीं ऐसा भी नहीं। अच्छा, हाँ, मेरा मतलब है कोई ऐसा, वो एक बस होता है ना कि यार किस्मत में लिखा होता है। इसके आप शुरू से धनी रहे बस, बस कभी आप, हाँ कभी कोई ऐसा नहीं, और पॉजिटिव रहा हूँ हमेशा लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव सोचा है, पॉजिटिव रहा हूँ, विंडिक्टिव नहीं हूँ, वो चीज नहीं आपने कभी किसी चीज। सर मुझे बल्कि अच्छी तरह याद है कि जब हमने एक शो शुरू किया था, फोर मैन शो शुरू में, जब हम सियासी हो गए, हम आपके इतनी ज्यादा वो करते थे, मगर आज तक आप हो गए, हुमायूं भाई हो गए, कभी नाराज ही नहीं हुआ? नहीं कभी यार, तो बड़ा मजा आया। कुछ नहीं, आप सवाल ही पैदा। मैं भी यस यस कहना शुरू किया कि देखो आदमी को अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमने कोई गलत काम नहीं किया। यस, बात ये है, मैंने अगर लड़कियों के साथ फ्रॉड किया हो, मैंने धोखा दिया हो, या मैंने को बुरा भला कहा हो, किसी आपने हमेशा मोहब्बत और प्यार दिया। यस यस, उसमें कोई बुरी बात और मेरे ख्याल में इस मोहब्बत और प्यार से रेखा बाल बाल बची है। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। और उसकी वजह भी यही है, मैं आपको बताऊं कि शी वाज सेइंग
कि तुमने फिल्म ये इसलिए नहीं करनी कि मुझे रेखा पे भरोसा। अच्छा ये कहानी पॉइंट ये था क्योंकि आप यार बात है। कोई सर ऐसी ख्वाहिश जो आप समझते हैं कि इस वक्त आप एज अ रोल करने की या कोई ऐसा काम करने की जो आप कहते हैं यार वो रह गया हॉलीवुड। वैसे पर्सनैलिटी आपकी हॉलीवुड वाली इंशाल्लाह करूंगा और बहुत जल्द आपको अच्छा नजर आऊं क्योंकि सर हुमायूं सईद अभी बताएं कहीं वो ग्राउंड में गए और उन्होंने बहुत अजीब अजीब से हरकतें भी की मुझे उन्होंने बताया भाई नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है बड़ा बीवा बच्चा है बहुत अच्छा लड़का है। नहीं हरकतों से मेरा मतलब एक रोल प्ले किया नहीं रोल तो उसका डॉक्टर असनाथ वाला है तो फिर काम भी नहीं तो वो दयाना भी तो है ना साहब बिल्कुल ऐसे तो वो लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि अदरवाइज आई थिंक हुमायूं सईद इज अ व्हाट अ ब्रिलियंट मैन क्या बात है और सर आपके ख्याल में आज के दौर में कौन एक्टर जो आप लगते हैं यार पोटेंशियल है ये वो जो हीरो जिसको आप समझते हैं वैसा हीरो कोई नाम भले ना भी लें आप लेकिन कोई है ऐसे लोग नजर आते हैं आप नहीं है माशाल्लाह यार हमारे नए टैलेंट बहुत अच्छा लड़के लड़कियां ये सज्जल अली हो गई एक्टिंग वाइज भी बड़ा है। हाँ देखो ना अब जैसे सज्जल अली काम कर रही है उसने मॉम में भी काम किया है अभी वो कमाल जमायमा की फिल्म में काम कर रही है एंड शी इज देयर आल्सो सबा कमर आल्सो यस हाँ माशाल्लाह। लड़कों पे भी कोई नजर है आपकी वो कैसा काम कर रहे हैं लड़के हमारे? हाँ लड़के भी बहुत अच्छा जैसे मिसाल के तौर पे मेरा बेटा शहजाद शेख वो तो पढ़ के भी आया सर एक्टिंग तो घर में स्कूल है सर हाँ फिर भी उनको पढ़ने भेजा शहजाद शेख है शहरोज है ये दोनों हैं बाकी यंगस्टर में फिरोज है अपना बिलाल अब्बास है उनके साथ भी मैंने बहुत काम बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह जुमना जैदी है लड़की शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस है ना जबरदस्त। तो मेरा कहने का मतलब बहुत आप सर फिल्म एज अ डायरेक्टर दोबारा अभी अब बनाने का दिल चाहता है यस 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 Yes. इरादा है इरादा है मुझे सर उसमें अगर कोई रोल आपको चाहिए हो कि सर पीछे कहीं बैठा हुआ है बिल्कुल होगा उसको मुझे दीजिए। हाँ आप मैं आपको जो कमर्शियल बनाए मुझे रोल दें मैं फिल्म बनाऊंगा आपको रोल डील हो गए डील हो गए और इनको नहीं लेना आपने इनको नहीं लेंगे 2% आपसे ले लूंगा 2 इंच सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी मोहब्बत है आपने वक्त दिया और आप एक बहुत बिजी आदमी है लेकिन आप आए हमारे शो में आपसे बड़ी प्यारी बातें की है नहीं कह रहा था कि हम बोले कुछ। मैं अगर कभी आपका ये शो सीजन 2 बने ना तो यू मस्ट इनवाइट मी टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर सर डन यू हैव लॉट ऑफ स्टोरीज दैट्स आई हैव लॉट ऑफ स्टोरी जो आपको मैं बताना चाहूंगा। वैसे आपकी बुक जो आप कर रहे हैं प्लान लिखने की तो वो कब तक का देखे वो एक जर्नलिस्ट है उनको मैंने अब मेरे दोस्त हैं उनको मैं नरेट कर रहा हूँ और वो लग रहा है कि हो सकता है एक साल में तकरीबन ये सारे वाकयात ये वो मेरा वो सारा कुछ जो है ना अभी तो वो पॉलिटिकल एंगल नहीं आया कि जी इमरान खान से मेरी क्या दोस्ती है जरदारी साहब से नवाज शरीफ से क्या दोस्ती है सबसे मुलाकात सबसे मुशर्रफ साहब से क्या मेरा तो ये चैप्टर्स है ये चैप्टर्स है तो यानी कि बहुत सी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक तो जरदारी साहब तो आपको हीरो बोलते थे वो यस यस हीरो हैं भाई यस यस तो सर इस पे बात करेंगे अगले सीजन यस। आज मैंने आपसे जो सीखा है वो वर्ड है यस सर यस यस और उस पर मैंने सारी खवातीन को यस बोलना है नहीं नहीं किसी को उसमें उन्होंने बताया ना थोड़ा देख के देख नहीं, 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 किसी को नो 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 नहीं, नहीं, नो भी करना ऐसे तो बहुत यस बराबर हर एक को यस नहीं। थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच खवातीन हजरात हमारे हल्दुल अजीज और इस मुल्क के बहुत बड़े सेलिब्रिटी जावेद शेख साहब हमारे साथ थे और हम कोशिश करेंगे कि इनसे अगले उसमें अब ये जो कंटिन्यूशन की बात की ये करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी हमें और अल्लाह ने और लंबी जिंदगी दे मुलाकात दोबारा होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे अगले शो में किसी और प्यारे मेहमान के साथ मिलेंगे और बात करेंगे आपसे। आप देख रहे थे MNM और मैं हूं मुर्तजा चौधरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।